वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम अनबॉक्सिंग, रिव्यू और साउंड टेस्ट करेंगे साउंड किंग के एक स्पीकर की, जिसका मॉडल है SK10E। ये एक थ्री वे का स्पीकर है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्पीकर है। आगे जब मैं आपको इसका रिव्यू दूंगा तो आप भी डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके की इसकी परफॉर्मेंस है और ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग सुटेबल है या नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साउंड किंग की वेबसाइट से ऑनलाइन मैंने इसे ऑर्डर किया था, और ऑनलाइन जब हम कोई भी चीज़ मंगाते हैं, स्पेशली इस तरह का कोई हैवी आइटम, तो हमारा कंसर्न होता है कि ये डैमेज ना हो। लेकिन इस मामले में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इस प्रोडक्ट की पैकिंग बहुत ही अच्छे तरीके से की गई थी, काफ़ी फोम वगैरह का यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से प्रोडक्ट सेफली मेरे पास पहुंच गया, कोई भी डैमेज नहीं हुआ। काफ़ी हैवी स्पीकर्स हैं, आइए इनको बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। इसका एक्सटर्नल लुक मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक थ्री वे स्पीकर बॉक्स है, यानी कि इसमें ट्वीटर, मिड रेंज और वूफर तीनों का यूज़ किया गया है। 10 इंच का इसमें वूफर यूज़ किया गया है, 5 इंच का मिड रेंज यूज़ किया गया है और 1.5 इंच का ट्विटर यूज़ किया गया है। फिनिशिंग वाइज अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। मैं दिखा रहा हूँ मेश वगैरह और ऊपर जो विनाइल की लेयर लगी है उसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। स्पीकर हमारा देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। बैक साइड में स्पीकर के 2 टर्मिनल्स दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप इसका इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन चेंज करें तो बाई एम्पिंग के लिए आप इन टर्मिनल्स को यूज़ कर सकते हैं। स्पीकर का मॉडल नंबर और डिटेल्स यहाँ दिए हुए हैं। पूरा स्पीकर 18mm के MDF से बना हुआ है। फ्रंट से आपको देखने में पतला लग रहा होगा क्योंकि डिज़ाइनिंग ऐसी की गई है, लेकिन एक्चुअली में पूरा 18mm का MDF यूज़ किया गया है। बॉक्स का एक्सटर्नल फिजिकल डायमेंशन मैं दे रहा हूँ और आप मेरे हैंड की साइज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, काफ़ी बड़ा और काफ़ी भारी बॉक्स है ये। इसके पहले साउंड किंग के एक स्पीकर का मैं वीडियो आपको दिखा चुका हूँ। वो स्पीकर एक टू वे स्पीकर था, यानी कि उसमें वूफर और ट्विटर यूज़ किया गया था। कई लोगों को टू वे स्पीकर में मिड रेंज थोड़ा कम सुनाई देता है, ऑडियो क्लैरिटी कम सुनाई देती है, ये अपने लिसनिंग टेस्ट पर भी डिपेंड करता है। और जो लोग वोकल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वोकल थोड़ा लिफ्ट किया हुआ वोकल सुनना चाहते हैं, तो वो इस स्पीकर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मिड रेंज का यूज़ किया गया है और ये एक थ्री वे स्पीकर है। अगर आप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की भी बात करेंगे तो जैसा कि मैं आपको फिगर में दिखा रहा हूँ, थ्री वे स्पीकर टू वे के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे तरीके से ओवरऑल फ्रीक्वेंसी बैंड को कवर करता है। आइए देख लेते हैं कि इस स्पीकर में किस तरीके के ड्राइवर्स का यूज़ किया गया है। तो ये मिड रेंज वाला हमारा इस तरीके का है कुछ, और यहाँ एक अच्छी चीज़ की गई है कि इनक्लोज़र प्रॉपर मिड रेंज के लिए अलग से बनाया गया है, ताकि इसकी फ्रीक्वेंसीज़ बेस की फ्रीक्वेंसीज़ के साथ इंटरफियर ना करें। बहुत सारे बॉक्स जो थ्री वे वाले होते हैं, वहाँ पर यह मिस्टेक की जाती है कि मिड के लिए अलग इनक्लोज़र नहीं बनाया जाता है। जब हमारा बेस का डायफ्राम वाइब्रेट करता है तो वो मिड की फ्रीक्वेंसीज़ को डिस्टॉर्ट कर देता है, अगर मिड का इनक्लोज़र अलग ना बनाया गया हो। इस वजह से काफ़ी अच्छी मैं डिज़ाइन ये कहूँगा, और मिड हमारी बिल्कुल क्लीन आएगी इस डिज़ाइन में। ये है इसका मेन वूफर, जो कि 10 इंच साइज़ का है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ये सारे ड्राइवर्स का डिटेल मैं आपको बता दूँगा वीडियो के लास्ट में। सारे ड्राइवर्स डॉगी साउंड की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। मैग्नेट आप देख रहे हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी थिक और बड़ा मैग्नेट है। पेपर कोन है और पॉलीप्रोपाइलिन का रिंग है। फोम के रिंग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये रिंग होती है और अच्छा परफॉर्मेंस देती है। एनक्लोज़र के बैक वॉल पर पैडिंग दी हुई है। पूरे इनक्लोज़र में पॉलीफिल होता तो ज़्यादा बेटर था। और एक पीछे एक थ्री वे क्रॉस ओवर आप देख रहे हैं, जो कि कस्टम क्रॉस ओवर है इस इनक्लोज़र बॉक्स के लिए। MDF की थिकनेस 18mm है हर जगह, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फ्रंट का वूफर जो है 8 स्क्रूज की हेल्प से लगा हुआ है, इसकी वजह से काफ़ी स्ट्रांग होल्डिंग है। और बिकॉज भारी ये वूफर है, इसलिए इतने स्क्रूज इनको लगाने ही चाहिए। ओवरऑल इम्पीडेंस इसका 4 ओम है। और आइए अब इसको टेस्टिंग में लगाते हैं, देखते हैं किस तरह की ऑडियो आती है। वैसे तो आप इस स्पीकर को 200 वाट तक की पावर दे सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी कम पावर दे रहा हूँ। हेडफोन ज़रूर लगाइए ताकि आपको अच्छे तरीके से सुनाई दे कि इसकी ऑडियो क्वालिटी किस तरीके की है। Oh,
तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ऑडियो सैंपल? उम्मीद है कि पसंद आया होगा। मुझे तो इसकी ऑडियो काफ़ी अच्छी लगी। बेस, मिड और ट्रिबल तीनों चीज़ें इसके अंदर से काफ़ी बैलेंस तरीके से आती हैं और किसी भी चीज़ की हमें कमी नहीं सुनाई देती है। और बिकॉज इसमें 10 इंच का वूफर दिया हुआ है तो बेस भी आपको बहुत ही एनफ मिलता है। मैं 100% कह सकता हूँ कि किसी भी सब वूफर की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसके अंदर। किसी भी तरीके का म्यूज़िक आप इसके साथ इंजॉय कर सकते हैं और लाइट म्यूज़िक के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास इक्विलाइज़र या बेस ट्रिबल कंट्रोल होगा ही, उससे भी आप इसकी फ्रिक्वेंसीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं इसके प्राइस पॉइंट के बारे में। प्राइस आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर जो है, तो कई लोगों को ये चीज़ें महंगी लग सकती हैं। और एक्चुअली में जब भी ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं तो मैन्युफैक्चरर उसमें अपने बहुत सारी कॉस्ट को ऐड करते हैं, उस वजह से ये चीज़ें महंगी हो जाती हैं। और इस तरह के स्पीकर में बेसिकली शिपिंग चार्ज और GST वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसमें जो ड्राइवर यूज़ किए गए हैं वो सारे ड्राइवर मैं आपको दिखा दूंगा, और सारा मटेरियल्स आपका डूगे साउंड की वेबसाइट पर है। वहाँ से आप कॉस्टिंग कर सकते हैं कि अगर आप मटेरियल लेके खुद बनाते हैं तो आपको कितनी कॉस्ट इसकी पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उस कॉस्टिंग में आप अपना प्लाईवुड, लेबर चार्जेस और अपने टाइम की कीमत भी जोड़िएगा, तभी आप एग्जैक्ट एनालिसिस कर सकते हैं कि जिस प्राइस पॉइंट पर ये स्पीकर अवेलेबल है उस प्राइस पॉइंट पर आपको लेना है या नहीं लेना है। मेरा काम है चीज़ों की क्वालिटी को एक्सप्लेन करना, और क्वालिटी के मामले पर ये स्पीकर काफ़ी खरा उतरता है। अगर आप इसकी प्राइस का कंपैरिजन कर भी रहे हैं मार्केट में अवेलेबल चीज़ों से, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये 3-way स्पीकर है, और इंडियन मार्केट में मैंने देखा है कि 3-way स्पीकर पैसिव में बिल्कुल भी नहीं अवेलेबल है। शायद एक दो मॉडल अवेलेबल होंगे। और इसका कंपैरिजन आप कर रहे हैं तो इसकी साइज़ के हिसाब से, यानी कि 10 इंच वाले स्पीकर से ही कंपैरिजन कीजिए और 3-way वाले स्पीकर से ही कंपैरिजन कीजिए। नॉर्मल के हिसाब से हमें वो ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अगर आप बड़े ब्रांड से इनका कंपैरिजन करेंगे तो प्राइस काफ़ी अच्छे पॉइंट पर है। और अगर आपको ख़रीदने में मुश्किल लग रही है तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं। और जल्दी ही मैं कुछ ऐसे वीडियोस लाने वाला हूं जिसमें डूगे साउंड वेबसाइट पर अवेलेबल जितने भी ड्राइवर हैं सभी के TS पैरामीटर और सभी के इंक्लूजर डिज़ाइन मैं आपको बता दूंगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, और इस स्पीकर का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वहां से जाकर ख़रीद सकते हैं। और अब नेक्स्ट टाइम से बहुत सारे यूनिक वीडियोज़ आने वाले हैं मेरे चैनल पर, बहुत सारे डू इट योरसेल्फ आएंगे और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आएंगे। तो इसी के साथ मैं आपको बाय बोलता हूँ।